अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। एक्सक्यूज मी, हमें काम चाहिए, क्या आप हमें काम दे सकते हैं? लेकिन हमें एसी का काम नहीं आता है। क्या तुम दोनों एसी और एसी डक्ट को साफ कर सकते हो? सिर्फ साफ करना है? हाँ जी, साफ सफाई का काम तो हम दोनों बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक ऑफिस का एड्रेस देता हूँ, तुम दोनों वहाँ जाकर उनके ऑफिस का एसी साफ कर देना, एसी डक्ट को भी साफ कर देना। ओके सर, समझ लीजिए काम हो गया, चलो मोटू। ये एसी का ही रूम है, अपना काम शुरू करो और देखो जल्दी काम खत्म करना, यहाँ का बॉस बहुत गुस्से वाला है, जरा सा गुस्सा हुआ तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। मैं इस एसी को चमका दूंगा, यहाँ का बॉस खुश हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये हवा इतनी तेज क्यों हो गई? रामदीन, ये हवा इतनी तेज क्यों हो गई? साहब मोटू पतलू नाम के दो एसी मैकेनिक आए हैं, वो ही साफ सफाई कर रहे हैं। उनको कहो कि एसी को साफ करना है, ऑफिस को नहीं। हवा की स्पीड कम करो जल्दी। हम ऐसी सफाई करेंगे, ऐसी सफाई करेंगे कि बॉस खुश हो जाए। ओहो, ये सब क्या हो रहा है रामदीन, ये इतनी गर्मी क्यों है? सब वो एसी की साफ सफाई करने वाले आए हैं ना। उनको पकड़ के मेरे सामने लाओ। मैं उनका वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाओ, तुम लोग भी जाओ और उनको पकड़ के यहाँ लाओ। चलो उन दोनों मोटू पतलू को पकड़ के बॉस के सामने ले चलना है, उन्होंने काम करना मुश्किल कर दिया है, देखो कितनी गर्मी बढ़ा दी है, आओ मेरे साथ। मोटू, ये गर्मी भी हमारी ही किसी गलती के वजह से बढ़ गई है, वो आ रहे हैं, बड़ी मार पड़ेगी। अरे कहाँ छोड़ू? हाँ, ये सही जगह है। हो रहा है मोटू पतलू। देखो एसी डक्ट में छुप रहे हैं, पकड़ो उन्हें। पतलू, ये एसी डक्ट तो बहुत गर्म है, तेजी से आगे बढ़ो। अरे मेरे हाथ जल रहे हैं। अरे अरे हाथ का, यहाँ तो सब कुछ जल रहा है। मैंने उन दोनों एसी मैकेनिक्स को यहाँ बुलाया था, वो आए क्यों नहीं? सर सर, एसी मैकेनिक्स मोटू पतलू आ गए। सॉरी सर, हम एसी डक्ट साफ कर रहे थे। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। रामदीन, और कोई बाकी है ऊपर? एक बार में आ जाओ, क्यों बारी बारी आ रहे हो? आ,
ये मेरा ऑफिस है या सर्कस? तमाशा बना के रखा है, और पकड़ के लाओ उन दोनों को। मोटू जल्दी से सामान उठाओ और भागो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ये क्या? अरे एसी ठीक हो गया है, देखो अच्छी ठंडी हवा आ रही है। चलो ठीक है, अब कोई गुस्सा नहीं करेगा, अब आराम से साफ सफाई करो। चलो ठंडी हवा आनी शुरू हुई। फिर भी बॉस ने कहा है उन्हें पकड़ के ले आओ, तो लाना ही होगा। अब जाने दो ना, मैं बॉस को समझा लूंगा, उन्हें काम करने दो। ये इतनी ठंड पड़ गई है, बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई ऐसी गोली कम करो, कोई ऐसी गोली कम करो। क्या कोई मुझे बताएगा कि मेरा ऑफिस सारा डेजर्ट में है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, या कश्मीर में है जहाँ स्नोफॉल होता है? मैं अभी मोटू पतलू को पकड़ के ले आता हूँ बॉस। सर सर, हमने सब साफ सफाई कर दी है। और अब हम भाग रहे हैं। वो भागने ना पाए, पकड़ो। तुम लोग कर क्या रहे हो? जाओ। सबकी छुट्टी है, सब एंजॉय करो, स्नोफॉल का मजा लो, जाओ। एक महीना हो गया उस ऑफिस में काम किए हुए, ना तो अभी तक एसी शॉप वाले का फोन आया और ना ही ऑफिस वालों का। वो हमें ढूंढ रहे होंगे। मोटू पतलू दरवाजा खोलो, मोटू पतलू दरवाजा खोलो, सुन रहे हो? खोलो दरवाजा। खोलो किसी, लो बहुत याद कर।
कर रहे थे ना, एक महीना हो गया कोई नहीं आया। अरे वो आ गया, अब जाओ और मार खाओ। अरे कोई है? अरे सुन रहे हो मोटू पतलू, दरवाजा खोलो, कोई है? खोलना तो पड़ेगा ही, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं थी, आप चाहे तो मोटू से पूछ लो। जी हाँ, पतलू ठीक कह रहा है, अरे उनका एसी तो पूरी तरह खराब था। तुम ठीक कह रहे हो, वो एसी एकदम खराब था। मैं हर हफ्ते वहाँ कुछ ना कुछ रिपेयर करके आता था, लेकिन तुम दोनों ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि एक महीने से एसी एकदम परफेक्ट चल रहा है। वहाँ का बॉस इतना खुश है कि तुम्हारे लिए 10,000 रुपए का इनाम भेजा है। थैंक यू। एक्चुअली ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। अब तुम दोनों ही हर हफ्ते उस एसी की सफाई के लिए वहाँ जाओगे।